हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कम्प्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक पूरी तरह से स्क्वायर बनाती हुई नज़र आ रही है, कुछ इस तरह की शेप हथेली की। यहाँ पर इनको काफ़ी हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर इनकी शो कर रही है, और जो इनकी फिंगर्स हैं यहाँ पर शॉर्ट साइज्ड, बहुत ज़्यादा लंबाई में नहीं है, छोटी साइज की फिंगर्स जो यहाँ पर एक हेस्टी नेचर को भी शो करती हैं। अगर हम इनकी मध्यमा उंगली की लेंथ को इनकी हथेली की लेंथ से मिलाएं तो आपको नज़र आएगा कि फिंगर्स की लेंथ कम है और हथेली की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है यहाँ पर, जो एक जल्दबाज नेचर को शो करती हैं। बहुत ज़्यादा यह एनालिसिस नहीं करते होंगे कोई भी नया काम शुरू करने से पहले, जल्दबाजी में डिसीजंस लेना इनकी एक नेचर रह सकती है। आगे देखते हैं वन बाई वन सारी फिंगर्स की लेंथ को, और उसके बाद माउंट्स को भी हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि इनकी सूर्य फिंगर जो है उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ पर इनकी सूर्य फिंगर को शनि फिंगर के साथ और गुरु फिंगर के साथ, तो शनि के इक्वल पहुँचती है गुरु फिंगर से थोड़ी लंबाई में। तो काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी इनके अंदर रहनी चाहिए, क्रिएटिव क्वालिटीज़, और शनि की फिंगर की जो लेंथ है वो भी सूर्य से थोड़ी सी ही ज़्यादा है। हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर रहेगी, लेकिन यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटीज़ में थोड़ी कमी होती नज़र आ रही है। ओवरऑल अगर सभी फिंगर्स के जो बेस फैलेंजेस हैं इनको देखा जाए तो काफ़ी थिक हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है, जो काफ़ी अच्छी एनर्जी और स्टैमिना को शो करती हैं। अच्छी एनर्जेटिक पर्सनैलिटी रहेगी, थोड़ी सी जल्दबाज नेचर और लीडरशिप क्वालिटीज़ में थोड़ी सी कमी रहने के चांसेस यहाँ पर फिंगर्स की लेंथ से मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर हम मरकरी की बात करें तो मरकरी की फिंगर इनकी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी लंबाई में है, फर्स्ट फैलेंज को क्रॉस करती हुई यहाँ पर, यह इनकी जो सूर्य फिंगर का फर्स्ट फैलेंज है वहाँ को, उसको भी उससे ज़्यादा लेंथ को यहाँ पर क्रॉस करती हुई, और इवन के यहाँ पर भी लो सेट नहीं हो रही है। मरकरी इनका काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमन रहता है, काफ़ी अच्छी विजडम रहती है, और अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर मरकरी की वजह से इनको मिलने वाले हैं। फ्रेंडली टाइप की पर्सनैलिटी रहेगी क्योंकि आड़ी रेखाएँ ज़्यादा नहीं हैं, कुछ हल्की सीधी खड़ी रेखाएं यहाँ पर मैं इनकी फिंगर्स के ऊपर देख पा रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छी फ्रेंडली टाइप की नेचर भी रहने के चांसेस हैं। आगे देखते हैं इनकी जो थैली है उस पर सेटिंग कैसी है फिंगर्स की, और लाइंस किस तरह से यहाँ पर हमें क्या क्या फल दे रही हैं, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर आपको दिखाना चाहूँगा कि माउंट्स की सेटिंग किस तरह से है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गुरु माउंट थोड़ा सा लो सेट होता हुआ, और अगर हम बात करें मरकरी की तो ज़्यादातर हाथों में मरकरी लो सेट होता है, इनके हाथ में मरकरी लो सेट नहीं है। गुरु माउंट को स्पेस थोड़ी सी कम मिल पा रही है, गुरु फिंगर भी थोड़ी सी शॉर्ट थी, तो फैमिली की तरफ से थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स इनको रह सकती हैं, फैमिली का सुख थोड़ा सा कम हो जाता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर गुरु फिंगर का शॉर्ट होना लीडरशिप क्वालिटीज़ में भी थोड़ी कमी करता है, और ओवरऑल प्रोग्रेस तो काफ़ी अच्छी रहने वाली है इनकी लाइफ में, क्योंकि काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस लाइन्स मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ उठने वाली प्रोग्रेस लाइंस जो इनकी लाइफ लाइन से निकलकर प्रॉपरली गुरु माउंट में ऊपर तक जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो फाइनेंशियल प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी रहेगी, और उसके बाद अगर देखा जाए शनि माउंट को तो यहाँ पर शनि माउंट थोड़ा सा वीक होता हुआ, इनके गुरु माउंट के मुकाबले शनि थोड़ा सा वीक है। लाइफ में स्ट्रगल और हार्डवर्क बढ़ जाता है अगर शनि वीक हो, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुछ इस लेवल पर आकर भी शनि की जो रेखा है जहाँ पर मैंने अभी सर्कल ड्रॉ किया है, इस एज में शनि की रेखा यहाँ पर कम्प्लीटली डिसअपियर्ड नज़र आ रही है। तो 36 की एज से लेकर यहाँ पर 42 और 43 के आसपास की एज तक यहाँ पर जो इनको थोड़ा हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, उसके बाद में आगे काफ़ी अच्छी लाइन चलती हुई और ऊपर तक लाइन का पहुंचना, यहाँ तक ओल्ड एज, अच्छी ओल्ड एज को यहाँ पर दर्शा रहा है। तो यहाँ पर 40 के आसपास की एज में थोड़ी स्ट्रगल ज़्यादा रहेगी इनकी लाइफ में,
शनि का वीक होना भी लाइफ में स्ट्रगल को बढ़ाता है। उसके अलावा मिस्टिक क्रॉस आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा क्रॉस बनता हुआ। इस तरह का क्रॉस जिनके भी हाथ में बनता है इनके अंदर इंट्यूशन पावर रहती है, जजमेंट पावर काफ़ी अच्छी होती है। और इसको मिस्टिक क्रॉस इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति जो होता है जिसके हाथ में ये क्रॉस हो वह काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है स्पिरिचुअलिटी में, रहस्यमय चीज़ों में उनका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा रहता है। और ऐसे व्यक्ति लाइफ में कई बार इन सब चीज़ों को सीखने की कोशिश भी करते हैं, रहस्य को जानने की कोशिश भी करते हैं। और ऑकल्ट साइंसेस जैसे पामिस्ट्री है और इसके साथ जैसे एस्ट्रोलॉजी है या और भी ऐसी बहुत सारी जो तंत्र मंत्र जैसे विद्याएं हैं, ये सभी ऑकल्ट साइंसेस में आ जाते हैं जिनको आज की मॉडर्न साइंस अभी तक जिनकी खोज नहीं कर पाई है। तो ये सब चीज़ें जो रहती हैं, इन सब चीज़ों में रुचि रखता है व्यक्ति जिनके हाथ में मिस्टिक क्रॉस बनता है। और मिस्टिक क्रॉस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि ऐसे व्यक्ति के पास इंट्यूशन पावर काफ़ी अच्छी होती है और आने वाली घटनाओं का पूर्व आभास इनको हो सकता है इस तरह का क्रॉस होने की वजह से। उसके बाद सूर्य की बात की जाए तो सूर्य माउंट यहाँ पर जो है इनका थोड़ा सा दबा हुआ नज़र आ रहा है। वैसे तो सूर्य माउंट अच्छा है, हल्की सूर्य रेखा भी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ जो ओल्ड एज तक पहुँचते काफ़ी अच्छा नेम एंड फेम इनको दिलवा सकती है, लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा सूर्य माउंट का दबा होना यहाँ पर कहीं ना कहीं आईसाइट वीक रहने के चांसेस को दर्शाता है और ओल्ड एज में चलकर बोन से रिलेटेड वीकनेस रह सकती है। अदरवाइज कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सूर्य की फिंगर इनकी काफ़ी स्ट्रांग है और एक स्ट्रांग सूर्य फिंगर क्रिएटिविटी को बढ़ाती है, आर्ट में रुचि को बढ़ाती है। आगे देख सकते हैं मरकरी, तो मरकरी का यहाँ पर स्ट्रांग होना काफ़ी अच्छा इनके लिए रहेगा लाइफ में। बिजनेस एक्यूमेन, काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और काफ़ी शार्प माइंड रहता है अगर मरकरी स्ट्रांग हो। मेमोरी भी अच्छी रहती है व्यक्ति की, तो यहाँ पर शार्प मेमोरी के साथ साथ बिजनेस करने की अच्छी क्षमता इनके अंदर रहेगी इस तरह का उभरा हुआ मरकरी माउंट होने की वजह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को, लाइंस इनके बारे में क्या क्या दर्शाती हैं। तो सबसे पहले तो हार्ट की लाइन की बात करना चाहूँगा। आप देख सकते हैं हार्ट की लाइन जो है यहाँ पर ऊपर की तरफ कर्व करती हुई मुड़ती हुई, जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भी ऊपर की तरफ नहीं मुड़ रही है, लेकिन यहाँ पर जो प्लेस है हार्ट की लाइन की कमेंसमेंट प्लेस है बिल्कुल सेंटर पॉइंट बन रहा है शनि और गुरु के बीच में से। इस लाइन का यहाँ से चलना शो करता है काफ़ी एक तरह से बैलेंस्ड पर्सनालिटी को, ना ही बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं ऐसे व्यक्ति और ना ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी रहती है, थोड़ी इमोशनल नेचर भी रहती है, केयरिंग टाइप की नेचर होती है। जिनकी लाइन ऊपर की तरफ कर्व हो रही है तो केयरिंग पर्सनालिटी रहेगी, काफ़ी अच्छी अच्छे दोस्त ये साबित हो सकते हैं और अपनी फैमिली की काफ़ी अच्छी केयर भी करते हैं ऐसे लोग। थोड़ी रोमांटिक नेचर भी रहेगी, यहाँ पर हल्के ऑफशूट्स में देख पा रहा हूँ, थोड़ी रोमांटिक टाइप की नेचर रहेगी। अदरवाइज यहाँ पर अच्छी पर्सनैलिटी है, ओवर यहाँ पर इमोशंस नहीं है इनके अंदर, थोड़ी इमोशनल पर्सनैलिटी रहेगी लेकिन ओवर इमोशनल ये नहीं होने वाले, प्रैक्टिकलिटी में जीने वाली इनकी पर्सनैलिटी रहने वाली है। कोई भी प्रॉब्लम मुझे हार्ट की लाइन से नज़र नहीं आ रही, काफ़ी अच्छी हार्ट की लाइन है इनकी। और उसके बाद आप देख सकते हैं एम सिंबल की अगर हम बात करें, यहाँ पर कम्प्लीटली एम सिंबल तो नहीं बन पा रहा क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा वीक हो रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा है जो इनको लाइफ में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस दिलवाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा लाइन का वीक होना इस एम सिंबल को थोड़ा सा वीक करता है, कम करता है, अदरवाइज़ यह चिन्ह बन तो रहा है जो इनको 40s के बाद की एज में चलकर बेनिफिट देने वाला है। आगे आप देख सकते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड किस तरह से यहाँ पर शो हो रही है। माइंड की लाइन यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग है और यहाँ ऊपर से शुरू होती हुई लाइन, जो गुरु एरिया से शुरू होती लाइन शो करती है एम्बिशियस टाइप की पर्सनालिटी को। कुछ ऐसी लाइन का चलना जो माउंट गुरु माउंट से चले और तकरीबन सीधी लाइन का होना यहाँ पर बहुत ही अच्छा चिन्ह है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है काफ़ी एम्बिशियस होते हैं और यहाँ पर शार्प माइंड भी नज़र आ रहा है, तो अपनी इसी क्वालिटी की वजह से यह लाइफ में काफ़ी तरक्की कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर इनका जो धन का संचय है वो बहुत ज़्यादा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। मनी ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हल्की लाइन बन रही है और यहाँ पर कुछ लाइन वीक है,
क्योंकि यहाँ पर अगर यह पूरी लाइन्स ऐसे बनती तब जाकर एक मनी ट्रायंगल कंप्लीट होता, लेकिन मनी ट्रायंगल यहाँ पर पूरी तरह से नहीं बन पा रहा, जिसकी वजह से खर्चे काफ़ी अधिक रहेंगे इनके, लेकिन इनकम भी इनकी अच्छी रहने वाली है। तो इनकम में यहाँ पर कोई कमी नहीं होती, अगर फेट लाइन थोड़ी सी वीक हो तो इनकम ज़्यादा होती है उल्टा, लेकिन मेहनत भी बढ़ जाती है। उसके बाद आप देख सकते हैं इनकी जो लाइन ऑफ लाइफ है काफ़ी क्लियर है, लगभग यहाँ पर 80 के आसपास की एज को यह एंजॉय कर पाएंगे, काफ़ी लंबी लाइन है। और यहाँ पर एक अच्छा ऑफशूट मिडल एज में चलता हुआ 40 के अराउंड एज में ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ, जो अच्छी प्रोग्रेस इनको दिलवा सकता है। और अगर हम लाइफ की लाइन की बात करें तो यहाँ तक पहुँचती हुई जो 80 प्लस की एज को शो करती है, काफ़ी अच्छी हेल्थ रहने वाली है। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थिंग मुझे नहीं नज़र आ रही। मंगल रेखा यहाँ पर नज़र आ रही है जो अच्छी प्रॉपर्टी की तरफ संकेत करती है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी भी मिलने के चांस रहते हैं अगर मंगल रेखा हो। और उसके साथ साथ यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन का होना भी एक अच्छी चीज़ है, हेल्थ अच्छी रहती है। वीनस माउंट को देखा जाए तो वीनस काफ़ी स्ट्रांग है, हर तरह की सुख सुविधाएं व्यक्ति को मिलती रहती हैं, लेकिन चंद्रमा के एरिया के ऊपर तिल होना यहाँ पर कुछ नेगेटिव चिन्ह है, जिसकी वजह से व्यक्ति को मानसिक तनाव जैसी परेशानियों का सामना लाइफ में कभी ना कभी करना पड़ सकता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं लाइफ लाइन का बाहर की तरफ निकलना घर से दूर सेटल होने के चांसेस को दर्शाता है। और यहाँ पर एक फिश का चिन्ह बनना अचानक धन लाभ की तरफ भी इशारा करता है, इस तरह का चिन्ह यहाँ पर बनना शो करता है विदेश यात्रा के चांसेस को भी और अचानक से धन लाभ के चांसेस को भी। और ज़्यादातर समय ये रह सकता है कि ये घर से दूर कहीं सेटल हों, और वो किसी विदेश कंट्री में भी हो सकता है, और अपने कंट्री में भी किसी दूसरी स्टेट में जाकर ये बसने के इनके चांसेस रहेंगे। तो ओवरऑल यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।